आप जहर मुफ्त दोगे तो जहर तो दिखाया जाएगा। मुफ्त क्या? गंदा पानी आता है, पीला पीला पानी आता है, वो बदबू मारता है। मैंने भी देखा है, गड्ढा खोदा हुआ है वहाँ। अगर कोई बच्चा गिर जाए तो मेरे पे लग नहीं रहा, वो जिंदा वापस निकलेगा उसके अंदर से। बिल्कुल गंदा आता, बदबू आती है, और उस कारण देखो ऊपर से साबुन जैसे झाग जैसा पानी होता है। तो ऊपर फिर से हम आपको डाउन रियलिटी दिखाने लाए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ हेल्पलाइन चैनल में। इस वक्त हम खड़े हैं Y1 ब्लॉक बुद्ध विहार फेस वन में, जहां पे एक बार फिर से हम आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाने लाए हैं। जहां पे एक और समस्या हमने देखी है कि सीवर का पानी ओवरफ्लो कर रहा है, नए सीवर डलते हैं लेकिन उससे नाली का कनेक्शन नहीं होता, नाली में पानी भरता है, कूड़ा डलता है, गंदगी ऐसी फैल जाती है। देखिए आप इस दृश्य को देखिए, इस पे कितने मच्छर हैं। और सरकारें वादा करती है कि हम डेंगू से मुक्त कराना चाहते हैं, लेकिन इसमें साफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके के मच्छर हैं, इसकी गंदगी कितनी है। ये कोई प्लाट है, मकान है जो कि बंद पड़ा हुआ है खाली, उसमें इसका कनेक्शन और इसका बहाव कर दिया है, जिससे कि और ज़्यादा पानी भर गया है। यहाँ स्थानीय निवासी हैं जिनसे बात करेंगे कि ये क्या कार्रवाई हुई इस गली में, किस तरीके का यहाँ ये गंदगी इकट्ठी हुई। सर आपका नाम? योगेश। योगेश जी, आपके घर के बिल्कुल सामने जो फटा हुआ पानी और गंदगी हो रही है, इसके बारे में क्या? अच्छा, इसकी वजह से ना मच्छर पैदा हो रहा है, वायरल फीवर फैल रहा है। MLA साहब को हमने कई बार कंप्लेंट भी किया है, व्हाट्सएप पे भी किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ट्विटर पे भी कंप्लेंट की, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ की नालियाँ बंद की हुई है, प्लॉट में गड्ढा खोदा हुआ है और उसकी वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं। ये गड्ढा किसने खोदा? ये जी जो ये काम सीवर लाइन का चल रहा था, JCB ने गड्ढा खोदा था। तो आप लोगों ने तब देखा नहीं है, तब आप लोगों ने कहा नहीं कि इसमें पानी? बोला था उनको, तब नाली भरी हुई थी तो नाली साफ करने के लिए बोला था, तो उन्होंने उसके अवैध में गड्ढा खोद के पानी इधर डाइवर्ट कर दिया। तो उसके बाद अब फिर वापस भरा नहीं इसको? नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है इसकी। लोगों ने अभी इसकी कहीं कंप्लेंट दायर की हो कुछ? नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे अमरिंदर गोयल जी को कंप्लेंट किया था और ट्विटर पे केजरीवाल जी को किया था। अच्छा, लेकिन हाँ जी, विधायक जी को और केजरीवाल जी को। अच्छा, लेकिन उनकी तरफ से आपने रिस्पॉन्स मिला? कोई रिस्पॉन्स नहीं है जी उनकी तरफ से। पानी तो खराब आता, पानी सही नहीं आ रहा है, पानी भी स्मेल आती है और येलो कलर का बिल्कुल साफ नहीं। बच्चों के लिए? और यहाँ जो गंदगी है, अगर कोई बच्चा इस गड्ढे में गिर जाए, आपके बच्चे को बहुत नुकसान होगा, उसको चोट भी आएगी और बहुत मच्छर हो रहे हैं, छोटा बच्चा परेशान होते हैं। तो मतलब आप लोग जब कंप्लेंट कर रहे हैं तब भी कुछ एक्शन नहीं हो रहा है इतने समय से, तो अभी आप क्या सोच रही हैं कि कौन करेगा? ये MLA साहब को कराना चाहिए इसका काम, जो उन्होंने सीवर लाइन डाली थी, गड्ढा खोदा था, तो कंप्लीट करने का काम भी उनका ही। कितना समय लगभग? 1.5-2 महीने हो चुके हैं इसको अभी। 1.5-2 महीने से ऐसा ही पड़ा है? बिल्कुल 1.5-2 महीने। आप लोगों ने 1.5-2 महीने से ऐसा है, ऊपर कहीं कहा नहीं, कंप्लेंट नहीं की हो? केजरीवाल जी तक कंप्लेंट की है हमने, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स कैसा भी नहीं मिला। ये वो स्थानीय निवासी हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई कंप्लेंट के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और बिल्कुल यहाँ इतना गंदा हाल है इस गली का भी और इस पूरी सड़क का भी। आप देख सकते हैं पानी की समस्या, जैसे यहाँ महिलाएं बता रही हैं कि बिल्कुल गंदा आता है, पीने लायक नहीं आता, बिल्कुल गंदा पानी, बिल्कुल गंदा, पीने लायक नहीं आता, उसमें कपड़े और नहाना भी बड़ा मुश्किल है, पानी बिल्कुल गंदा आता, बदबू आती है, और उसका रंग जैसे ऊपर से साबुन जैसे झाग ऐसा पानी होता है, तो पी नहीं सकते लोग, जो उस पानी को पीते नहीं, बाहर से कोई प्रबंध करता, रोड से लाता, कहीं से लाता, पानी की बड़ी समस्या। आप लोग भी क्या कुछ पानी कैन वगैरह? हाँ, पानी का कैन भर के लाते हैं और उसको पीने के लिए यूज करते हैं, बाकी आता उसे नहाते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि सरकार कहते हैं पानी मुफ्त दे रहे हैं, तो कहते ही है ना, कहने को तो कुछ नहीं गया, वो तो अपना सब बैठ दे रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं, मुफ्त तो दे रहे हैं होंगे, पर पीने का तो मुफ्त नहीं, पीने का तो जहर दिखाया जाएगा। हम तो पीने के, अगर आप जहर मुफ्त दोगे तो जहर तो दिखाया जाएगा। मुफ्त से क्या? सर अभी चुनाव भी नजदीक ही है, उनके 5 साल पूरे हो गए हैं, तो क्या इस बार नहीं, इतना अच्छा अगर ये काम करेंगे तो मैं उम्मीद है पब्लिक ही नहीं वोट करेगी दोबारा से, ये नहीं जिताएगी। अगर ये ऐसे ही काम चलता रहा, नालियाँ ऐसी भरी रही, कीचड़ बना रहा, पानी गंदा आएगा, तो इनको ही वोट मिलेगा, ये फिर जीत के आएगी। ऐसा क्यों? ये इतना अच्छा काम दिखाई दे रहा है, आपने भी देखा है गड्ढा खोदा हुआ है वहाँ, अगर कोई बच्चा गिर जाए तो मेरे को लग नहीं रहा, वो जिंदा वापस निकलेगा उसके अंदर से, लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती। क्या समस्या इस बार चुनाव में कैसे रहेगा? हमें तो मेन मोटिव ये है, हमारा क्या होने का, हम तो वोट देनी इसको, 1% भी वोट नहीं देंगे और ना देने दिलाने देंगे किसी से। अच्छा, आप क्या समझते हैं अंकल जी, कैसा 5 साल ये बस बता दिया इन्होंने, ये है समस्या, पानी की तो समस्या है, बाकी सड़क नालियाँ तो वैसी हैं, देख ही रहे हैं। दिल्ली का विकास कैसा? विकास तो
पब्लिक बताएगी। ये वो स्थानीय निवासी हैं जो बता रहे हैं कि केजरीवाल सरकार के 5 साल पूरे होने को है लेकिन ना काम हुआ है रियलिटी में, और जो विधायक हैं उनको कंप्लेंट आती है तो उनसे भी कोई सुविधा नहीं मिली कि वो इस पर कोई एक्शन लेंगे। इवन इन्होंने ट्विटर के माध्यम से केजरीवाल जी को टैग करके इस समस्या को बताया लेकिन वहाँ से भी उनके ट्विटर हैंडल से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमारे साथ स्थानीय समाज सेवक हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम? सुनील मित्तल। सुनील जी, क्या लगता है कि ये समस्याएं जो हैं आप एक स्थानीय स्वयंसेवकों को किस तरीके से देखते हैं? लगभग 2 महीने से ग्राउंड से उतरा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में केजरीवाल सरकार ने रिठाला विधानसभा का क्या विकास किया। तो आप विकास की नदियाँ बह रही हैं, आप ये देखो ये नदी के रूप में विकास की नदी बह रही है। तो सीधा सीधा जो ठेकेदार हैं दिल्ली जल बोर्ड के अंडर आ जाए, उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पानी की निकासी नहीं होगी, आपने खुदाई कर दी तो उसने मिट्टी से मलबे से नालियाँ बांधी, और जब इन्होंने कंकराट करी तो जेसीबी से खोद के उस प्लॉट के अंदर गड्ढा कर दिया कि आप पानी इसमें डाल दें। बताओ ये कोई तरीका है? इस तरीके से तो कोई व्यवहार नहीं होता। तो बच्चा गिर जाए, किसी को चोट आ जाए, कोई बुजुर्ग गिर जाए तो कैसे काम? जी, इस विधानसभा में हमारी तीसरी विजिट है जिसमें हम देख रहे हैं कि यही समस्या हर फेज में हर ब्लॉक में बनी हुई है, तो किसी भी एक ब्लॉक का विकास की बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल नहीं भी अच्छा वो कहीं पे भी हो, खास नाम की चीज़ नहीं है। और मतलब विधायक जी अपने आप को नंबर वन विधायक बोलते हैं, सोफल नंबर वन, लेकिन जनता बिल्कुल त्रस्त है, रिठाला विधानसभा बिल्कुल त्रस्त है। क्या लगता है कि आपको कि रिठाला 5 साल पीछे हो गया विकास की? 15 साल 15 साल जिस प्रकार से रोडों का हाल है, नालियों का हाल है, जनता त्रस्त है। आप ये देखिए कि सबके सब लोग पीने के पानी से कैसे ऐसा मुख्य जहर दिया, कितना गंदा पानी आ रहा है, बहुत मोटर चला के दिखाते पानी। आप क्या समझते हैं? पूरा गंदा पानी आता है, पीला पीला पानी आता है, बदबू मारता है, बहुत समस्या है। यहाँ पे हमारी जो लड़की है 15 दिन बीमार है, उसको मच्छर काट रखा है, तो अभी ठीक भी नहीं हो पा रही है। विधायकों पे एक सवाल खड़ा हो रहा है कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं वोटों की और कुछ नहीं, बीमार है उनकी बच्ची, डेंगू है, और सिर्फ यही कारण कि गंदा पानी है क्षेत्र में, गली में इतनी गंदी नाली बह रही है, पानी इकट्ठा हुआ हुआ है जिसमें कि दुनिया भर के मच्छर हैं, और एक ऐसी समस्या बना दी है जो कि एक मामूली चीज होती है वो एक विकराल समस्या बन गई है इस क्षेत्र के लिए, कि हर कोई हर बंदा सिर्फ यही कह रहा है कि भाई आप यहाँ से इस पानी का समस्या को समाप्त कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम तो ये है, बाकी इनके हर कदम पे मेरे को तो दिक्कत महसूस होती है। इन्होंने बसों में फ्री करा, लेडीज का फ्री करा, मैं कहता हूँ जो फ्री किया इन्होंने, लेडीज जो बस में जा रही है वो कमाने वाली है, जो कमाता है वो किराया दे सकता है, उनको फ्री करने की जरूरत नहीं है। फ्री करना था तो स्टूडेंट्स के लिए फ्री करते, ओल्ड एज लोगों के लिए फ्री करते, तो किराया नहीं पे कर पाते, लेकिन उन्होंने राजनीति की ली है, हर जगह उन्होंने राजनीति की ली है, और वही काम करते हैं पब्लिक के लिए, कोई काम नहीं। मच्छर आ रहा है, इतने नाली बंद हो गई, गंदो पानी आ रहा है पीने वालों को। आप जो घर में लोग हैं किस तरीके से आप लोग रहते हैं पीने वाले पानी के? अब बेटा हमारी तो बंगल ने आरो लगा लो, हम नीचे रहते हैं, हम वही पानी पीते हैं। तो अभी क्या समस्या है कि विधायक जी ने कुछ काम किया? अब करवाएंगे तो कही गए कि करा है नहीं, अभी अभी तो गंदा ही डला है सब, और इतना गहरा है यहाँ जो गड्ढा बंद। हाँ जी, गंदी गड्ढा खुदरा आप ही करोगे। ये महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को, क्या एक्शन लेना चाहिए उन्हीं के लिए? तो बोल रहे हैं कि गड्ढा खुदा पड़ा है, एक्शन लें, मच्छर हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, नालियां सड़ी पड़ी हैं, पानी पीने में मिट्टी आ रही है, काला काला पानी आ रहा है। ये वो महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि बिल्कुल घरेलू लेवल पे वो बता रही हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, और हर किसी को इस समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। यहाँ जितने भी स्थानीय निवासी हैं हर कोई यही कह रहा है कि इस समस्या का निवारण होना चाहिए, ना विधायक सुन रहे हैं ना सरकार सुन रही है, ऊपर लेवल तक इन्होंने कंप्लेंट किया लेकिन कोई इसका असर नहीं हो रहा है, और इस असर से ये फर्क पड़ रहा है। तो हमें कोई घर का पानी देता नहीं है, अब कौन खवाए हमें? तो हमने पेंशन के कारण भगा देते हैं, मार्बल ना पेंशन जमा आ रही ना कुछ आ रहा है।
ये आंटी जी का कहना है कि पेंशन भी नहीं आ रही है और ये दर्शाता है कि किस तरीके की विकास की रथ यहाँ से चल रहा है, जो दिख नहीं रहा है कि कहाँ है विकास यात्रा क्या है, कुछ नहीं, दिल्ली का बुरा हाल कर रखा है। बुजुर्ग व्यक्ति है वो बता रही है कि कुछ नहीं हुआ है विकास में के नाम पे, लेकिन एक सवाल जो सरकार के ऊपर खड़ा हो रहा है कि चुनाव दिल्ली में आने वाले हैं लेकिन अभी तक विकास नहीं दिखा है।